देखिए क्या करा है, लेट ए बी सी डी इज ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a, उसका साइड कितना है 2a है, स्क्वायर का साइड 2a है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर हुज, फर्स्ट नंबर में देखिए क्या दिया है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि ए कोइंसाइड विथ द ओरिजिन एंड ए बी एंड ए डी आर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली। आप इसमें थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ए जो पॉइंट है क्या कह रहे हैं, कोइंसाइड विथ द ओरिजिन, अच्छा मतलब उसी के ऊपर है, उसी ओरिजिन के ऊपर ए पॉइंट है, ठीक है, और ए बी जो है ओ एक्स के लॉन्ग है, और ना ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ए डी जो है ओ वाई यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके वर्टेक्स हमें बताना है, ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन ओ हो गया, इसी पर ए है, और यहां पर ए बी जो है ओ एक्स के लॉन्ग है और ए डी जो है ओ वाई के लॉन्ग है, तो यानी कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो जब इसका ये देखिए, आपका ए बी हो गया, यहाँ ए डी हो गया, तो यहाँ सी होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका लेंथ 2a देख रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2a,0। अच्छा ये जो है a का 0,0 होगा, c का क्या होगा, तो ये भी 2a है ये भी 2a है, यानी कि 2a,2a, और यहाँ d का क्या होगा 0,2a, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर के लिए कि a का हो जाएगा 0,0, b का हो जाएगा 2a,0, c का हो जाएगा यहाँ पे 2a,2a, और फिर डी का हो जाएगा यहाँ पर 0,2a, ठीक है। अब चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं, कोऑर्डिनेट के लिए इसमें ये इक्वल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ डी यहाँ लिख देंगे, क्लियर है। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं हम,